बहुत सारे बम बारूद भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही खास हैंड ग्रेनेड्स। और हमारे साथ जो हैं वो PYN श्रीनिवास सर हैं, सोलर एनर्जी की तरफ से हैं और लगातार इनकी जो कंपनी है वो भारतीय सेना के लिए हथियार गोला बारूद बना रही है। ना सिर्फ थल सेना के लिए बल्कि वायुसेना और नौसेना के लिए भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, टैंक्स के लिए भी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ बन रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की, सर इसकी खासियत अगर आप हमें बता पाएं मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की। तो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का जो खासियत है, इसका हाई रिलायबिलिटी है और इसका जो सेफ्टी फीचर है जो कन्वेंशनल ग्रेनेड में नहीं है उसमें वो फीचर्स इसके अंदर डाला गया है। अच्छा। वो एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग जो है एक्यूरेट है और इसमें जो लिथालिटी है वो 8 मीटर से कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेनेड से कंपेयर करेंगे। अच्छा। तो और इसका जो लाइफ है 15 साल है। ओके, तो ये 15 साल तक रखा रह सकता है स्टोर करके और खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। अच्छा, आप सर इसको लेकर भारतीय सेना ने भी ऑर्डर प्लेस किया है? भारतीय सेना ने हमको 10 लाख का ऑर्डर प्लेस कर चुका है। 10 लाख हैंड ग्रेनेड काफी बड़ी मात्रा में। और ये स्वदेशी है? स्वदेशी, पूरा DRDO टेक्नोलॉजी से बनाया। अच्छा। हम लोग TBRL करके चंडीगढ़ का DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम लोग को टेक्नोलॉजी दिया है, हमने सक्सेसफुली एब्जॉर्ब किया है और हम लोग प्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया। हम लोग अभी तक जो है 6.5 लाख भी इंडियन आर्मी को सप्लाई कर चुके हैं। 6.5 लाख हम लोग सप्लाई भी कर चुके हैं। ओके, अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर ये जैसे ग्रेनेड फटता है जिस क्षेत्र में फटेगा वहाँ क्या होगा, मतलब उसका असर कितना देखने को मिलेगा? मैं जो 8 मीटर का रेडियस में वो लिथल रेडियस करके जाना जाता है। ओके। तो 8 मीटर के अंदर जो है वो लिथलिटी का इफेक्ट होगा। तो ये कैजुअलिटीज करेगा कैजुअलिटी के लिए। अच्छा, हमें और भी बहुत कुछ यहाँ दिख रहा है, जैसे हम बात करें आपका 81 mm ATAL स्मोक ग्रेनेड की, सर तो इसका क्या काम है सर? ये भी हमने टेक्नोलॉजी लिया है DRDO से। अच्छा। तो ये भी है कन्वेंशनल 81 mm, क्या है वो एंटी थर्मल एंटी लेजर नहीं है, इसके अंदर जो है वो एंटी थर्मल एंटी लेजर का फीचर डाला गया है। अच्छा। तो इसके इससे जो है हमारा जो टैंक्स है T-72, T-90, BMP टैंक सब में ये यूज होता है। अच्छा। तो ये फट जाता है, जब इसका सिग्नल मिलेगा तो एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। अच्छा। तो क्लाउड फॉर्म होकर हमारा जो टैंक का जो है वो सेफ पैसेज मिल जाएगा। अगर दुश्मन उस पर गोला बारूद करने बारी करने की तैयारी में बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है और हमें मालूम चल जाए कि इस क्षेत्र में यहाँ बम हम पर चल सकते हैं या कोई ऐसा रॉकेट दागा जा सकता है, तो इसके जरिए हम वहाँ स्मोक क्रिएट कर देंगे और वहाँ से सेफ पैसेज ले लेंगे। ओके, काफ़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी अगर हम 30 mm एम्यूनिशंस की बात करें तो सर ये किस तरीके से काम होता है, ये किस चलता है? 30 mm एम्यूनिशन जो है ये आर्मी को भी लगता है, नेवी को भी लगता है, एयरफोर्स को भी, तीनों फोर्सेस को भी लगता है। अभी हम लोग जो डेवलप किया है जो नेवी का जो है एक HEA एम्यूनिशन करके हमने डेवलप कर चुका है, अभी नेवी को हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, अभी तो सक्सेसफुली हो गया है। अभी आर्मी का जो टेंडर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी एक दो महीने। काम क्या है सर, ये कैसे फायर होगा? ये जो है BMP करके एक टैंक रहता है, BMP टैंक्स, टैंक्स में जो है उसको गन्स रहता है, वो गन का अंदर जो है ये यूज़ करते हैं इसमें। ओके, तो इसका साइज तो काफ़ी बड़ा है, अगर ये 30 mm कैलिबर मीन्स इसका डायमीटर 30 mm है। तो इसलिए ये दुश्मन के व्हीकल को भी डैमेज कर सकता है? व्हीकल को नहीं डैमेज करेगा, उसका जो आदमी लोग का जो है दुश्मन कैजुअलिटीज कर सकता है दुश्मन के खेमे में अगर गन शॉट उन पर, तो रेगुलर यूज करते हैं सब सेना ने, सब रेगुलरली यूज। अच्छा, और भी ये प्रोडक्ट अगर हम देखें हम बात करें तो ब्लास्टिंग डिवाइस करके। अच्छा। अभी आर्मी ने हमको ऑर्डर प्लेस कर चुका है। अच्छा। ये भी DRDO का टेक्नोलॉजी से बनाया हम लोग ने, पूरा यूजर ट्रायल सब हो गया अपना तरफ से। तो ये क्या काम करता है सर, कैसे काम करता है? ये जो है ये हमारा जो सेना को जो है ना जो टैंक्स पास करने के लिए एक बंड क्रिएट करना पड़ता है जो इंटीरियर्स में, ये जो है ये जो नीचे वाला जो है वो एक पहला बंड क्रिएट करते हैं, उसको ऊपर से जो रॉकेट मोटर है इसको एक्सप्लोजिव को लेके जाते हैं अंदर। अच्छा। तो लेके जाके उसका एक्सप्लोजन हो जाता है ताकि आपको जो है पासेज मिलता है जो हमारा टैंक को जो है वो लेके जाने के लिए। तो अभी हमारा हम सप्लाई जो है जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। और इसका सर ये डैमेज कैसे करता है, कितना? ये डैमेज नहीं है, ये टैंक को पास ऑन करने के लिए। अच्छा। ये यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बंड ब्लास्टिंग डिवाइस का। अच्छा। बंड को ब्लास्ट करता है इसमें। ओके। इसको कोई पर्सनल डैमेज नहीं है। अच्छा।
तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और इस तरह के हथियार अगर अगर हम गलत नहीं हैं युद्ध में हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगातार बेनिफिट मिलेगा, दुश्मन पर हमें एडवांटेज रहेगा। तो एक से बढ़कर एक हथियार, गोला बारूद जो हम आपको दिखा रहे हैं, DRDO लगातार ऐसी चीज़ों को बना रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे रहा है, वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और लगातार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भारत में निर्माण हो रही हैं, स्वदेशी निर्माण हो रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन के खेमे में जब इस तरीके से बमों की बारिश हो जाएगी, गोले बारूद की बारिश हो जाएगी, तो दुश्मन नेस्तनाबूत हो ही जाएगा।